गरीब सी लग रही है, ठीक है बाल ठीक करने थोड़े। आओ ऐसी वीडियो में आपको हाय हेलो बोलेंगे। हाँ हाँ कैमरा हाथ है, ए यार कैमरा में हाथ लाने के तो बोलता। वीडियो ने आपको वीडियो बनानी है। हाँ वीडियो बनानी है। डैड से हाय। आ पानी नहीं दिख रही। आ पानी नहीं दिख रही। नहीं देखो अगर दिखेगी। विराट तू तो हट साथ से। वीर वानी का हाय। वानी देखो सर हाय। वानी से हाय। नहीं नहीं हाय से हाय। ओ दूर से बोल हाय। बस मम्मा क्या करेंगे हाय कहते हो। फ्लावर वाला वीडियो बनाने वाली है ये। वीर देखिए उस तरफ देखिए। वीर उस तरफ देख तो देख तो देख। ऐसी गंदी बात होती है। उधर देखो ये देखो वीर कैसा लग रहा है। चलो जाओ वानी की बारी। जाओ जाओ क्या बना रहे तुम। वाओ वानी यू लुकिंग सो क्यूट। चलो चलो मामा का वीडियो कंप्लीट करने दो बेटा। जाओ अंदर जाओ। फैमिली वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का वैशालीज ब्लॉग में। सो देखा आपने घर में ऐसे ही चलता रहता है। जब मैं शूट करती हूँ ये लोग बार बार आते रहते हैं, मुझे बार बार भगाना पड़ता है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने हेयर को हम कैसे एक्सेसराइज कर सकते हैं, कैसे उसको डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब कैसे डेकडप कर सकते हैं अपने आप को, अपने हेयर को अच्छे से कुछ एक्सेसरीज के साथ और कुछ मतलब चीप एंड बेस्ट एक्सेसरीज के साथ। तो ऐसे ही कुछ एक्सेसरी ना मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी मीशो के थ्रू, तो मीशो पे ना कुछ ऐसे ही हेयर मैं क्लिप और क्लचेस ढूंढ रही थी, तो हेयर एक्सेसरी रहा, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिखी। सो मैंने सोचा कि आई थॉट ये सारे ऑर्डर किए जाए और आप लोगों के साथ शेयर किए जाए विद माई ऑनेस्ट रिव्यू। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। धीरे धीरे मैं शुरू करती हूँ। आप लोगों में से जो भी नहीं जानता, मेरा चैनल है वैशाली मित्रा का फैशन डोज। जो यहाँ पहली बार आए हैं वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, जो वहाँ फॉलो करते हैं यहाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कर लीजिए, क्योंकि दोनों चैनल्स पर बहुत अच्छे वीडियोज़ जाते हैं। मेक श्योर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैं दे दूँगी। चलिए तो फर्स्ट मैं आपको पहले दिखाती हूँ फ्लावर्स से। कुछ फ्लावर्स मैंने मंगाए और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी डाली थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। सो मैंने ये फ्लावर्स देखे, लुक एट दिस। देखिए ये ना वेलवेट के नहीं है, प्रॉपर कपड़े वाले फ्लावर नहीं है, बट इसका जो स्टफ़ है ना मटीरियल वो सो गुड। एक थ्रेड बना हुआ मिला है इस तरीके से ना, थोड़ा सा पीच कलर है इसका, प्रॉपर वाइट नहीं है, पीच कलर है। और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये मुझे इतना लंबा रिसीव हुआ है। देखिए आप जैसे मैंने मेरे बाल तो मैंने कट करवा दिए हैं, बट इस तरीके से मैंने क्लच किया हुआ है। इसको आप ऐसे करके क्रॉस कंप्लीट देखो, काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब ये देखिए आप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, नहीं तो ओके। तो इसको ना आप ऐसे डबल या ट्रिपल करके इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ साइड पर भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं यार। मतलब घर में जब शादी या कोई फंक्शन होता है ना, तो हमें जब मैचिंग के फ्लावर्स ढूंढने होते हैं कुछ नहीं मिलता, बिलीव मी कुछ नहीं मिलता। या आके रखा होता है या थोड़ा बहुत कहीं मिल जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो वॉशेबल भी, आराम से वॉश करो, कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। स्कूल में इतने सारे फंक्शंस आते रहते हैं। इसमें मैंने ना दो तीन कलर्स मंगाए थे, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मेरे को रिसीव हुआ था। आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको पीच कलर दिखाया है, दैट इज़ द पिंक कलर। ये बहुत सुंदर है, क्या मस्त लग रहा है ना। मतलब वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अगर कोई एक्सेसरी नहीं पहनी, मैं इयर रिंग्स को भी उतार देती हूँ। मैंने सिंपल एक कॉटन का ड्रेस पहना हुआ है और मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर्स अगर अपने बालों में लगा लेती हूँ, तो आपको लगता है कि मुझे कोई और एक्सेसरी लगाने की या पहनने की ज़रूरत है? नहीं। और इसमें ना मैंने एक कलर और मंगाया था, विच इज़ दिस ब्यूटिफुल
येलो, नियॉन येलो शेड, बहुत सुंदर मुझे रिसीव हुआ। मैंने एक सूट के साथ लगाया भी था अपने मिंत्रा की वीडियो में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये भी जब बालों में लगाते लगाते बोर हो जाओ तो इससे अपना घर सजा लेना। जोक्स अपार्ट, तो मैंने ये तीन कलर्स इसमें मंगाए हैं, ये इतने लंबे मुझे तीनों रिसीव हुए हैं। और इसके बाद जो मैंने मंगाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन अब फ्लोरल का, फ्लावर्स का पैकेट कुछ इस तरीके से ना, ये वो मैं फ्लावर्स का नाम भूल गई, ये क्लिप्स के साथ आए हैं। वो जैसे पूरी लड़ी थी ना, इसमें कुछ क्लिप्स के साथ आए हैं, ये इस तरीके से पीछे क्लिप इन्होंने अटैच किया हुआ है। और ये काफ़ी सुंदर है, देखिए ये फ्लावर है डिफरेंट, ये वाला फ्लावर है, और ये हैं तीन चार पाँच छः 6 to 7 इस तरीके से मुझे मिले हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। हालांकि मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है बट स्टिल, ये देखिए मैं रील मैंने एक बनाई थी इंस्टाग्राम पे, मैं साइड पर अटैच कर रही हूँ उसकी एक क्लिप, उसमें भी बहुत सुंदर लग रहे थे, इसके साथ भी अच्छे लग रहे हैं। मतलब यूजुअली आपने ऐसे ही जस्ट जूड़ा बनाया अपने बालों को बांध कर और जस्ट एक ये दो क्लिप ऐड कर लो, बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट जो हेयर एक्सेसरी की बात कर लूँ मैं, ये तो बहुत सुंदर, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता इतना सुंदर रिसीव है मुझे। ये देखिए दीज, ये देखिए ये हेयर पिन्स हैं, इसमें ना ये वाला प्लास्टिक का, मैट प्लास्टिक का फ्लावर बना है और उसमें कुछ तार के साथ ना, इसका बैक साइड दिखाती हूँ, ये देखिए तार के साथ ना इसको पिरवाया हुआ है, टाइटली ये बंद किया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है यार। अगर मैं जैसे ये अभी आप मेरा बंद देख रहे हैं, मैंने क्लचर लगाया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, और जस्ट ओके लाइक दिस मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। वेट, मेरे पास कोई मिरर नहीं है, मैं व्यू फाइंडर में देखकर ही आपको जस्ट एक लुक दे रही हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखिए, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। सो ये ना बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं बट अगर घर में हो ना तो अच्छा रहता है यार। ये देखिए बहुत सुंदर है, इसमें आई थिंक एक दो कलर्स भी आपको अवेलेबल है, एक दो कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, तो चेक इट आउट। और मीशो पे ना यार लिंक्स नहीं होते, कोड देते हैं, तो मैं उसके कोड प्रोवाइड कर दूँगी, कमेंट में पिन कर रही हूँ, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चूड़ा, नेक्स्ट इज़ अमेजिंग जूड़ा, फ्लोरल जूड़ा, इस तरीके से ना फ्लावर का जूड़ा मुझे मिला है। ये पूरा जो आई डोंट नो व्हाट इज़ द फैब्रिक और समथिंग एल्स, पता नहीं, और उसके साथ ना पर्ल है बीच में, मुझे बहुत सुंदर लगा यार ये, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। पीछे ना इस तरीके से नेट है, मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरे बाल हल्के हैं ना अब, तो मैंने कटिंग भी करवा दी है। सो मैंने रबर बैंड नहीं लिया, आई डोंट नो ये मेरे को, ओके ये देखिए जैसे कि मेरे बाल अभी कटे हुए हैं, मतलब छोटे हैं, इस तरीके से बन जाता है, तो ये नेट को अगर मैं इस तरीके से लगा लूँ तो यस परफेक्ट। ये देखिए ये, मतलब मैं सिर्फ पिंस लगाऊंगी इसको रोकने के लिए, एंड ये कितना सुंदर लग रहा है। होप आज का वीडियो के एंगल्स मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। मतलब बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, जब भी आप जल्दी जल्दी में बाहर निकलने वाले हैं, कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करना है, तब अच्छे से डेकडेप होके जाए, बालों को भी थोड़ा सा वार ले। नेक्स्ट इज़ दिस ब्रेडेड हेयर, ये कोई ना टूल है ब्रेड बनाने का हेयर में, पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको ओपन नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है, आई डोंट नो मैं इसको करने वाली भी हूँ कि नहीं, ये इजी है नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हैं। आगे की तरफ से ना जस्ट बालों को ना इसका जो स्पाइरल है इसके बीच में लगाते हैं ना, उसका ब्रेड बन जाता है, बहुत स्टाइल अच्छा बन जाता है। मैं ट्राई करूँगी अपनी बेटी का या अपना बना लूँ, तो मैं साइड पर क्लिप ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट कुछ ओके जूड़ास और विग और आर्टिफिशियल हेयर आप इसको बोल सकते हो, मैंने ऑर्डर्स किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जूड़ा जो कि मुझे, मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कुछ इस तरीके से दिखता है ये ना, मैंने नेचुरल ब्राउन कलर में मंगाया था, ब्लैक तो बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था। इसके पीछे इस तरीके से ना गैप है, बट ये गैप ना काफ़ी कम है,
ये क्लचर टाइप से है और पीछे गैप है, बट मुझे मतलब मेरे जितने बाल अगर आपके हल्के हैं तो ये आराम से फिट हो जाता है और देखिए मैच भी हो जाता है कलर ना काफ़ी। तो ये आप ले सकते हो, सिंपल है। और इसके साथ आप ये वाला मतलब ये वाला जूड़ा लगा लो और साइड में इस टाइप की पिन ऐड कर लो, दैट सेट हो गया। नेक्स्ट इज दिस हेयर, इस तरीके से आपको ना स्ट्रिंग मिलती है पूरी और ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक हेयर है इस तरीके से ब्राउन कलर में, और ये ना स्ट्रेचेबल है, चाहो तो उसको बीच में से ना कहीं से कट भी कर सकते हो, लाइक इस तरीके से मैंने अगर छोटा बना हुआ है आप इसको रैप करके पिन कर सकते हो, थोड़ा मेसी और हैवी वन लगने लगता है। आई नो बहुत लोगों के थिन हेयर्स होते हैं, बहुत मुश्किल आती है यार, बट बिलीव मी लुक एट दिस, मैंने जस्ट ऐसे ही आपके सामने निकाला है और उसको लपेट लिया है, पिन विन कर लूँगी, इसके आसपास थोड़े से फ्लावर लगा लूँगी तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जो कि लुक भी अच्छी देता है। सो इसको आप ले सकते हो, आज तो मेरा हाल वाओ। सो ये भी आप ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैंने एक ये क्लचर वाला पीस मंगाया था, इस तरीके से पैकेजिंग में था, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या वाला है। ओके ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मिला है मुझे, हालांकि इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक में आया है, मैंने शायद कलर चूज करने में गलती की थी। देखिए ये इस तरीके से ना यहाँ पे क्लचर होता है जिसमें आपको अपने बाल रखने होते हैं इस तरीके से बांध के, और इसको आप कोम कर सकते हो, हालांकि इसमें कोई भी हीटिंग टूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंथेटिक हेयर है, ह्यूमन हेयर नहीं है। देखिए ना लेयर कट होता है ना बिल्कुल वैसा वाला फील आ जाता है। इसको भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, सॉरी मेरे पास कोई मिरर नहीं है। सो इस तरीके से मैंने बाल ओपन कर लिए और इसको अगर मैं वेट अ मिनट, देखिए ये मेरे बाल हैं और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इसको पैकेट से निकाला है, कोम वगैरह नहीं किया है, बट लुक एट दिस। सो देखा आपने यार, अब मुझे लगता है मैं अपने लंबे बालों को मिस नहीं करूँगी, मतलब सही लग रहा है। सो इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई चीज़ रह गई है? नो। तो फाइनली आज का हॉल कंप्लीट होता है, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक बैंड और मेरे पास था जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था, बट अब वो मीशो पर भी मिल रहा है, मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा बैंड है, बैंड लगाने के बाद जस्ट मतलब आपको बालों को पकड़ के उसमें क्लिप्स हैं उसमें लगाना होता है और काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बन जाता है। मैं पिक्चर दे रही हूँ साइड पर, अभी तो मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, एज़ यूजुअल सारा घर फैला हुआ है। आई विश कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपको स्टॉक में मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए बाय।